हम पार्टी का पक्ष आपको रखेंगे, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, आप हमसे रिपोर्ट लें न लें, हमारा वाइक लें न लें, आपके पर डिपेंड करता है। आप अगर पार्टी के विषय में कोई गलत बयानबाजी करेंगे, गलत आंकड़ा पेश करेंगे, ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। मीडिया है, देश के चौथे स्तंभ है, आपको बहुत छूट मिली हुई है, आपको सम्मान के नजर से देखा जाता है, लेकिन आप एक महागठबंधन को हमेशा बदनाम करने की नीयत से आप अगर आप हैं तो आप मीडिया नहीं है। इनका होगा महाराजगंज के लिए, महागठबंधन की सरकार 2025 में बनने जा रही है और बनेगी भी। सर, आप राजद की महाराजगंज सीट का दावेदारी कर रहे हैं जबकि महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, इस चीज को कैसे माना जाए कि आप महाराजगंज आपका लोकसभा क्षेत्र से टिकट फाइनल है? देखिए, ये प्रश्न तो यहाँ के कार्यकर्ता को पूछना चाहिए। तो जिसे अगर नहीं विश्वास हो तो भाई, वो जो हम आरजेडी के सिंबल पर आए हैं, आरजेडी के जो सर्वोसर्वा हैं, जो वहाँ के सर्वोसर्वा आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई आप अपने उम्मीदवार को भेजे हैं क्या लड़ने के लिए। तो ये तो एक जवाब पार्टी देगी ना कि हम देंगे, हमें तो जो आदेश है हम अपने लिए घूम रहे हैं। अब हमें टिकट मिला नहीं मिला, हम तो दिमाग से मौजूद आदमी लग रहे हैं ना सर, तो ऐसे नहीं थोड़ी है कि हम धूप में घूम रहे हैं। अच्छा, महाराजगंज आ पाए हैं, आपकी प्राथमिकता क्या होगी महाराजगंज के लिए? महाराजगंज को प्रथम प्राथमिकता है कि जाम से निजात दिलाना है, महाराजगंज को जिला बनाना है, जो भी डॉक्टरों की मनमानी फीस है उसको लिमिट करना है एकदम, मैंने जो भी ऊपर नीचे जो भी है कि भाई डॉक्टर की एक लिमिट सीमा होनी चाहिए। यहाँ पर कल कारखाना लगे, यहाँ की बेरोजगारी दूर हो, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो, यही सब प्राथमिक व्यवस्था रहेगी। सर, एक सवाल है आपके पूर्व के बयान को लेकर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने एक पूर्व में बयान दिया था कि मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के परिवार का अगर कोई सदस्य जब तक ले निर्वाचित नहीं होगा तब तक ले मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इस पे आपका आज का मंतव्य क्या है? आज भी वही मंतव्य पर कायम है। हमारी उस बयान को आप ढंग से गौर से देखिए, हमारी उस बयान का मकसद था कि हम जब तक साहब के परिवार का कोई सदस्य सदन में नहीं जाएगा तब तक हम सिवान से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज की डेट में हम सिवान से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और न आगे लड़ने की हमारी कोई मंशा है। हम महाराजगंज लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी ने हमको अधिकृत किया, पार्टी ने हमको जो भी आदेश मिला, पार्टी का हम दूत बनकर एक छोटा कार्यकर्ता बनकर के चुनाव में आए हुए हैं जनता के बीच में, जनता से अपना संपर्क अभियान चालू कर दिया। आज हमारा संपर्क अभियान हुआ भगवानपुर से स्टार्ट हुआ, हमारा जहाँ हर बार स्टार्ट होता है भगवानपुर के बाद से हम यहाँ महाराजगंज आए हुए हैं। कल हमारा का अगर आपको संपर्क अभियान का कवरिंग करना है, कल हमारे साथ आप चलिए, कल हमारा जलालपुर में है, बरेजा में है, माझी में है। अच्छा, महाराजगंज लोकसभा सीट पर पूर्व सांसद पूर्वनाथ सिंह का परिवार का हमेशा यहाँ पे चुनाव लड़ना ये सब रहता है, अब की बार भी रणधीर सिंह लगातार दौड़ा कर रहे थे, क्या उनका टिकट इधर उधर ऐसा कुछ नहीं? देखिए, ये हम कुछ नहीं कर सकते, उस परिवार से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है और हमें भी बहुत सम्मान उस परिवार से मिलता है, हम भी उस परिवार को बहुत सम्मानित करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, वो लोग भी हमको बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, हमारे घरों संबंध बहुत पहले से है, तो अब इसीलिए अब परिवार के विषय में हम व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब जहाँ तक देखिए टिकट की, अब पार्टी की क्या मंशा है, पार्टी कहाँ किसको एडजस्ट करेगी, कहाँ किसको करेगी, उस समय आने पर सब कंफर्म हो जाएगा। हमें खुद ही नहीं पता था कि हमें महाराजगंज से लड़ना है, हमें पता लगा कि भाई महाराजगंज से लड़ना है, तो लड़ाई स्टार्ट कर दिया अपना घूमना। वह जो राजद के जिला अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कहा गया कि अभी कोई पार्टी द्वारा किसी को नहीं किया गया, कहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है, सब बात बताया जा रहा है उनके द्वारा? देखिए, वो राजद के अध्यक्ष जी द्वारा अगर जो भी आपको बयान दिया गया है उनका बयान आप उनसे ले करके और भाजपा गति को राजद को भेज दीजिए उनके पास राजद कार्यालय में, राजद के जो सर्वोसर्वा हैं जो सुप्रीमो हैं कि भाई आप भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं, तो उनके बयान को तब ना उनको तो जिला अध्यक्ष को सर जिला अध्यक्ष जी से कह दिया गया है कि आप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क कर लें, जिला अध्यक्ष जी से कह दिया गया है कि आप अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात कर लें, उसके बावजूद भी अगर जिला अध्यक्ष जी किसी इस तरह के बयान दे रहे हैं तो ये उनकी अपनी व्यक्तिगत बयान हो सकती है, चाहे वो पार्टी की बयान तो नहीं हो सकती है, नहीं तो अगर पार्टी के बयान हो तो भाई वो कहें कि भाई पार्टी हम तो कह रहे हैं आप शीर्ष नेतृत्व से बात करें, भाई 10 दिन में क्लियर हो जाएगा, 13 तारीख के बाद सारा क्लियर हो जाएगा और पार्टी तभी आपको अधिकृत करेगी जब महागठबंधन के शीर्ष सारे नेतृत्व दल हैं, सबकी आपसी सहमति हो गई है किसको कहां से लड़ना है, उसमें कोई फूट नहीं है, कोई उसमें कोई गलती नहीं है, तो पार्टी के सारे जब सचिव चाहे प्रवक्ता बैठेंगे और घोषणा करेंगे किसको कौन सीट दिया जा रहा, उसके बाद वो प्रत्याशी की घोषणा करेंगे।
आज के पहले महाराजगंज में भी कभी आपका चुनावी दौरा नहीं हो रहा था, लेकिन अब की बार आज से शुरू किए हुए हैं। क्या लग रहा है, सक्सेस हो जाएगा अगर टिकट मिल रहा है तो? बिल्कुल, तो महाराजगंज की जनता को चुनाव लड़ना है और इसमें सक्सेस होना ही है। जनता कर रही है, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता पर क्यों भरोसा करे? नहीं, क्यों न भरोसा करे, महाराजगंज को महागठबंधन पर क्या कमी दिख रही है? 17 महीना में महागठबंधन ने जो काम कर दिखाया पूरे बिहार में, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये बात। तो क्यों नहीं तेजस्वी जी पर भरोसा जाता है? क्यों नहीं राहुल गांधी पर भरोसा जाता है? क्यों नहीं दीपांकर भट्टाचार्य पर भरोसा जाता है? सो आप हम बताएं, क्यों नहीं जाता है? 17 साल में जो इतना रोजगार दिया गया, उससे दूना रोजगार 17 महीना में दे दिया गया, तो आपको महागठबंधन पर क्यों नहीं विश्वास है? जनता 15 साल लालू जी की शासनकाल देख चुकी है, उसे उस समय की जो परिस्थिति लेकर जनता पर क्यों भरोसा करे? अगर 15 साल पहले आप अगर आप होंगे महाराजगंज में, तो आप देखे होंगे सिवान में कि उस वक्त बहुत फैक्ट्रिया चल रही थी, पता लगता था न्यू सिवान चल रहा उस टाइम, सीतामढ़ी कौन था, सीतामढ़ी ना, वो चल रहा था। और आज चल रहा क्या? सूता मिल चल रहा था उस टाइम। एक कहते ना कि खाली मीडिया का आपका बन गया है कि 15 साल पहले आतंकराज था और आज मंगल राज आ गया है। अपराध अगर आप देखिए कि नहीं यार, कितने नौकरी पहले दी जा रही थी, सो आप बताइए, आज 17 महीने में कितने नौकरी दी गई, कितनी फैक्ट्रियां लालू के कार्यकाल में चल रही थी, अभी कितनी फैक्ट्रियां चल रही है, आपने कभी आकलन किया? सिर्फ लालू राज को आप लोग बदनाम करने के शब्द आ गए हैं कि लालू राज में क्या था, लालू राज में क्या था, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? पत्रकार हमारा लालू राज में, आप सुनिए, सिवान में कितनी फैक्ट्रियां चलती थी, आप हमें बताया ना इस बात को? आप पत्रकार हैं, बताएं सिवान में कितनी फैक्ट्री थी लालू राज में, और आज कितनी सब फैक्ट्रियां चलती है सिवान में, आप इस बात को हमें बताएं ना? रिपोर्ट दें आप हमको, नहीं दे पाइएगा। अब ऐसे ही कहते हैं खाली लालू सरकार आए, वो सरकार बदनाम, उस टाइम से ज्यादा अपराध आज हो रही है। सिवान में मर्डर नहीं हो रहा क्या आजकल? चोरी डकैती नहीं हो रही क्या आजकल? क्यों लालू को बदनाम कर रहे हैं आप लोग लालू राज को? सर ये पत्रकार नहीं कह रहे हैं, ये विपक्ष का दावा है, ये पत्रकार नहीं कह रहा है। हम विभिन्न पत्रकार के हैसियत से पूछ रहे हैं, हम विपक्ष से डिबेट करने के लिए नहीं बैठे हुए। जी जी, और ये हमारी वैधता है नहीं है कि हम आपके हर प्रश्नों का जवाब दें। आप जो प्रश्न पूछेंगे उसको आपके सुनने लायक हम जवाब दें, इसके लिए हम बात नहीं है। हम पार्टी का पक्ष आपको रखेंगे, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, आप हमसे रिपोर्ट लें न लें, हमारा वाइक लें न लें, आपके पर डिपेंड करता है। लेकिन आप अगर पार्टी के विषय में कोई गलत बयानबाजी करेंगे, गलत आंकड़ा पेश करेंगे, ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप मीडिया है, देश के चौथे स्तंभ है, आपको बहुत छूट मिली हुई है, आपको सम्मान की नजर से देखा जाता है, लेकिन आप एक महागठबंधन को हमेशा बदनाम करने की नीयत से आप अगर आप हैं, तो आप मीडिया नहीं है। आप जो शब्द हम निकालना ही चाहते हैं, वो शब्द निकालना हमें चाहिए, वो शब्द आपके लिए उपयुक्त होगा। अगर आप एक पक्ष का दावा सिर्फ अथी कर रहे हैं, तारी तारी कर रहे हैं, आप क्यों सिवान में इतनी फैक्ट्रियां चलती थी लालू राज में, बिहार में इतनी फैक्ट्रियां चलती थी लालू राज में, उसका एक बार आपने जिक्र नहीं किया? सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, गोपालगंज में एक बार फैक्ट्री बची हुई है, वो भी अब बंदे हुए नंबर कगार पर है। चार जहां सुपर फैक्ट्रियां चलती थी, सिवान में जहां चार फैक्ट्रियां चलती थी, आज सारे बंद है। आपके बच्चे जाते होंगे सूरत कमाने के लिए, उसकी चिंता आपको नहीं है, आपको लालू की चिंता है, नीतीश की चिंता है, लेकिन आपके बच्चे जा रहे हैं सूरत में नौकरी करने, उसकी चिंता आपको नहीं है। इस बात को हमें तकलीफ है, दुख है सर। लालू के लालू फोबिया क्यों आप लोग पकड़ा हुआ है भाई? अब पूछिए सर, यहाँ से आज तक जितने भी सांसद लोग जीते हुए हैं, महाराजगंज को ठगा करने की काम किए हैं। अगर आपकी जीत होती है तो आप महाराजगंज को क्या करेंगे? देखिए, सबसे स्वर्णिम काल होगा महाराजगंज के लिए। महागठबंधन की सरकार 2025 में बनने जा रही है और बनेगी भी। जो अभी महारैली हुई है, जो आपने जन विश्वास रैली हुई, आप लोगों ने देखा, जनता और युवा वर्ग अभी युवा है, हमें लगता है कि आपको भी अब पत्रकार के दृष्टि से भले ही आप कुछ भी कह लें, लेकिन आपके दिल में भी तेजस्वी धड़कते हैं। आपके दिल में वो नहीं धड़कते हैं जिसके विषय में आप कह रहे हैं, क्योंकि वो ओल्ड हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। इसीलिए तेजस्वी जी पर पूरे बिहार भरोसा कर रहा है। तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, युवाओं को नौकरी मिलेगा और यहाँ की जो जाम की समस्या है उसका निजात मिलेगा। डॉक्टरों की व्यवस्था में बताई दी आपको, कल कारखाना बताई दिए, जो भी महाराजगंज समस्या होगी, कानून व्यवस्था से लेकर के और शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था तक, सारे पर त्वरित कार्रवाई करते हुए और उस पर कार्रवाई की जाएगी और जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दिया जाएगा। जनता को लगे कि भाई हम कोई सरकार हमारी आई है, काम करने का मौका तो आप लोग दीजिए कम से कम तेजस्वी जी को, तेजस्वी सरकार को काम करने का मौका दीजिए, राहुल जी को काम करने का आप लोग मौका तो दीजिए, महागठबंधन को आने तो दीजिए एक बार। महागठबंधन लड़का आया नहीं,
पहले ही बात होने लगा कि भाई ये नाम रखे, ये नाम, ये वो, दुनिया का लड़का काला हो जाएगा तब क्या होगा, लंगड़ा हो जाएगा तब क्या होगा। लड़का तो जन्म तो लेने दीजिए, तब आपको पता लगेगा कि लड़का कितना सुंदर जन्म लिया, कितना अच्छा काम कर रहा है। तो तेजस्वी जी को एक बार आने दीजिए आप लोग, आइए, आप लोग टेलर देख चुके हैं 17 महीना में। इसलिए महाराजगंज के जनता से हम आग्रह करेंगे कि ये 17 महीना के कार्यकाल को टेलर को देखते हुए आप महागठबंधन पर भरोसा जरूर जताएं, क्योंकि आपने टेलर देखा कि 17 महीना में कितना उन्होंने रोजगार दे दिया, जो उन्होंने कहा सो रोजगार दिया। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा हम नहीं पर आपको देना चाहते, लेकिन आप लोगों ने ऐसा प्रश्न पूछा कि अब हम वो नेता तो है नहीं, चुप बैठ करके चले जाना, ऐसा हमारे बस का नहीं है, हम जवाब जरूर देते हैं चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। नीतीश जी ने कहा से नौकरी देगा 10 लाख।